लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया वापस जाना चाहिए। जब यहाँ आए ना तो ऐसा लगने लगा यार लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, एंड वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाला था और पोस्ट भी किया था कि मुझे 5 साल जर्मनी में कंप्लीट हो गए हैं, लॉन्ग टाइम इन जर्मनी। तो आज मैं आपको ऑनेस्ट अपने व्यूज़ बताऊँगी जर्मनी में रहने के, क्या मुझे मोटिवेट करता है यहाँ रहने के लिए आगे चल के, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और ये जो जर्नी है इन जनरल, उसका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखिए। पहले बता देती हूँ कि कहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर तारा को घुमाने लाई थी और यहाँ पर बैठकर ब्लॉग बना रही हूँ। 5 साल में एक बात तो पक्की है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ लेसन सीखे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जर्मनी में, और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो वन ऑफ द, मैं बोल सकती हूँ मैं बहुत ही प्राउड ऑफ हूँ उस चीज़ के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ आने के बाद मैंने सीखी हैं, तो वो कुछ बताऊँगी। प्लस हर साल मेरे क्या अचीवमेंट थे, मैंने किस चीज़ पे फोकस करा और क्या चीज़ें मुझे लगती थी कि यार पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो भी कुछ बताती हूँ। प्लस कुछ शॉकिंग चीज़ें भी बताऊँगी जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेंगी। लोग जो है वो वहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं, ये जो है वो वॉकिंग ट्रैक है, तो लोग अपने डॉग्स को घुमा रहे हैं और ख़ुद भी घूम रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। उस तरफ भी जो है वो वॉकिंग जो एरिया है। तो जब मैं आई थी ना, मुझे सब कुछ बहुत सुंदर लगता था। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यूरोप आने के लिए, जैसे सब लोग एक्साइटेड होते हैं। मतलब मेरे को लगता था वाह यार लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट हाँ, कहीं पर रहने लगते हैं ना तो उसके प्रॉब्लम्स भी आपको दिखने लगते हैं और उसकी अच्छी चीज़ें भी दिखती हैं। तो ऑफकोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी अब 5 साल में दिखने लगे हैं, पर इनिशियली जो है वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। इनिशियल 2 ईयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग रहे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी आते से ही। जैसा आपको सबको पता है यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज चलती है, तो मैंने फोकस किया इनिशियल 1.5-2 ईयर्स जो है वो मैं जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करूँ। प्लस कल्चर, जो यहाँ का कल्चर था, कल्चरल डिफरेंसेस थे, वो मुझे फाइंड आउट करे, जो मुझे अच्छे लगते थे कि यार यहाँ कितना डिफरेंट है इंडिया से। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के बाद वो, फिर मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स बने जो डिफरेंट डिफरेंट जगह के थे। इंडिया में जो थे वो सब इंडियन फ्रेंड्स थे, यहाँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग बने तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, उनकी सारी चीज़ें पता चली। अच्छा, ऐसा होता है इस कंट्री में, वैसा होता है। तो ये जो था, ये इनिशियल 2 ईयर्स जो था वो मेरा ऐसा गया। तो जैसा कि कल्चर डिफरेंसेस बताए, कि कल्चरल डिफरेंसेस मेरे को बहुत सारे लगे, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए जो आप लोगों ने पसंद भी करे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लाइफस्टाइल वीडियोस बनाए, क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल ही बहुत डिफरेंट लगती थी इंडिया से। तो मुझे लगता था अरे यार ये चीज़ें तो जो है वो बतानी चाहिए, घर वालों को बताती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ जो आपको काफ़ी अच्छी लगी। और क्या चीज़ सीखी मैंने, जो आई थिंक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, वो था खाना। मतलब इंडियन खाना जो है वो ही अच्छा लगता है मुझे, पास्ता, पिज़्ज़ा और सारी चीज़ें जो है वो हम लोग खा लेते हैं, बट वो इंडियन स्ट्रीट फूड्स पे अलग होता है। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट ब्लैंक फूड होता है, तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आई, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग था तो हम लोग जब घूमने जाते थे तो पूरा डे ट्रिप करते थे, सुबह की सबसे पहली वाली ट्रेन से जाते थे और लास्ट ट्रेन से जो है वो आते थे, तो खाने का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, कुछ भी खा लेते थे जो मिलता था। पर अब बिकॉज टाइम हो गया है तो अब उस चीज़ में प्रॉब्लम्स ढूंढने लगे हैं। अब लगता है यार यहाँ पर खाना इतना अच्छा नहीं होता, इवन इंडियन खाना भी इतना अच्छा नहीं होता है। और फिर क्या हुआ ना, लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई। जैसे इंडिया में सब कुछ बहुत ईजी लगता था, पर जब यहाँ आए ना तो ऐसा लगने लगा यार लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। बिकॉज एक दूसरी कंट्री पे जब आप मूव करोगे तो आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो जॉब सर्च करने से रिलेटेड हो, रहने से रिलेटेड हो, नए दोस्त बनाने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते थे जो ऑफकोर्स जैसे सबके होते हैं वैसे मेरे भी थे। आप लोग ज़रूर एक चीज़ कमेंट करना, जो मैं सोच रही थी, आई थिंक सभी सोचते होंगे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं इंडिया से कहीं भी अब्रॉड मूव करने का, उन्हें लगता है यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है। हम जब यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया वापस जाना चाहिए। कौन सही है कौन गलत वो तो नहीं पता, पर आप बताना, आप
आपको क्या सही लगता है यहाँ, मतलब जो हम सोच रहे हैं इतने टाइम यहाँ रहने के बाद, या जो लोग ट्राई कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है? ज़रूर कमेंट करना, मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों से। पीसफुल है और ये पब्लिक प्लेस है, सबके लिए एक्सेसिबल है और लोग बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर लोग अपना अपना जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़, लाइक 2 साल तो मैंने फोकस किया लैंग्वेज पे जैसा आपको बोला, और 1 साल बाद ही मैंने YouTube चैनल जो है वो स्टार्ट कर लिया था, तो YouTube पर भी फोकस किया। और उसके बाद जो है वो 3rd ईयर से, लाइक 1.5 ईयर के बाद से मैंने अपने करियर पे फोकस किया कि हाउ टू गेट बैक टू आर करियर, कैसे जॉब स्टार्ट करी जाए, बिकॉज मैं बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्री से आती हूँ, लाइक रिटेल इंडस्ट्री से। तो उसमें क्या होता है, रिटेल एंड सेल्स में आपको लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब मैं आई थी 2018 में तब बहुत इंपॉर्टेंट थी, इवन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको फॉल्स चीज़ें नहीं बताऊंगी, जर्मन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, सब बहुत सुंदर, यूरोप ट्रैवल बहुत अच्छा लगता था। अब बिकॉज इतने टाइम रहने लगे तो इतना फ्रिक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं, और ऑफ कोर्स फैमिली होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत प्लान करनी होती थी। पहले बहुत ही यंग एज में आ गए थे तो बहुत मज़ा आता था, घूमते फिरते रहते थे, कहीं भी निकल जाते थे कभी भी। दीपक ने भी बहुत जल्दी लाइसेंस ले लिया था, तो बहुत ज़्यादा यूरोप रोड ट्रिप किया था इनिशियल जो ईयर्स थे उसमें, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने मिली, लोग बोलते हैं ना ट्रैवल से आप बहुत कुछ सीखते हो, नई जगह, नए लोगों, डिफरेंट लोगों से मिलके बहुत कुछ सीखते हो, जो फैक्ट है। फिर बात आई करियर की, तो लैंग्वेज सीखने के बाद करियर स्टार्ट करना थोड़ा इजी था, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अच्छे ब्रांड्स के साथ, जिनके साथ हमेशा काम करना चाहती थी, और खूब मज़ा आया काम करने में। वहाँ पर भी एक वर्किंग कल्चर डिफरेंट था, जिससे भी बहुत कुछ सीखा और मज़ा आता था। मतलब एक चीज़ बोल सकती हूँ, ईजी है देन इंडिया से। यहाँ का वर्किंग कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, पर वो वाली चीज़ नहीं है जैसे आप अपने ऑफिस वालों के साथ चिट चैट करते हो, चाय पीने जाते हो, लंच करते हो, वो वाली बात नहीं है। पर इन टर्म्स ऑफ काम, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। फिर 4th ईयर के मिडिल ऑफ द 4th ईयर में, बिकॉज जर्मनी में लोग बोलते हैं कि यार बाहर के लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देते, पर ऐसा नहीं है। जर्मनी के लोग जो हैं उनकी अच्छी फैमिली है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, बिकॉज ऑफ़ कोर्स यहाँ पर इजी है, लाइक फाइनेंशियली मैनेज करना इजी है, प्लस गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है कि आप अपनी फैमिली को बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, वो हेल्प भी करती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमने भी फैमिली प्लानिंग करी लोगों को देख के। अगर आप देखोगे ना रोड पे तो बहुत क्यूट क्यूट बच्चे दिखते हैं, अच्छे यंग पेरेंट्स के 3-3, 4-4 जो हैं वो बच्चे होते हैं। 3-3, 4-4 तो ठीक है, पर एक तो ज़रूरी होता है, वो अपने बच्चों को घुमाते हैं, इवन उनके जो पेरेंट्स होते हैं के साथ डिनर करते हैं इवनिंग में। तो ऐसा सिर्फ बोलते हैं कि बाहर फैमिली कुछ नहीं होती, बट जर्मनी का ऐसा नहीं है। जर्मनी में हमने देखा है कि ये लोगों का बहुत ज़्यादा ये लोग ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर भी और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी। बट हाँ, कल्चर डिफरेंट है, जैसे एक साथ नहीं रहते हैं, वीकेंड्स पर मिलते हैं, वो एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए ना तो दे रियली केयर अबाउट देयर जो मेन रिलेशनशिप्स हैं, और जर्मनी के लोग एक्चुअली करते हैं। इसलिए इनके जो फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो किंडरगार्टन वाले फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े होके फ्रेंड्स बन गए, ये भी रीज़न है। तो हाँ, तो हमने वो स्टार्ट किया, और 5th ईयर कंप्लीट करते करते हम, मतलब मैं मदर बन गई, जिसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ चीज़ें थोड़ी ईजी हैं, जैसे देखो मैं जब से आप लोगों से बात करते करते जो है वो तारा को घुमा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे 5 साल कैसे रहे बिना कोई कलेश के, आराम से। जो ये स्ट्रॉलर होता है, स्ट्रॉलर से मैं कहीं पर भी चली जाती हूँ। तो बीइंग अ न्यू मदर, यहाँ पर लाइफ जो है थोड़ी सी ईजी है। एक तो आपको ब्रेक भी आप ले सकते हो, आपको इतना ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता, बिकॉज आपको फाइनेंशियली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए लाइफ जो है वो बहुत इजी है, सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स
इतनी अच्छी है, ये तो फिर भी इतनी अच्छी नहीं है, पर जनरली सारी रोड्स जो हैं वो स्ट्रॉलर के हिसाब से बनी हुई हैं। कुछ लाइफ के कुछ और भी चीज़ें हैं। पहले तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने ये 5 साल यहाँ पर स्पेंड करे। चीज़ें बहुत सारी अच्छी नहीं हैं जो मैंने काफ़ी टाइम अपने वीडियोस में बताई हैं, जैसे स्लो प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सब चीज़ें हैं। पर उसके अलावा इन जनरल अगर देखा जाए तो लाइफ बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी लाइफ है, पीसफुल लाइफ है। बाकी अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो अचीव करनी है, जो सोचा था करेंगे, जैसे अपना खुद का घर, एक अच्छी गाड़ी जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसके भी अपडेट्स आपको देते रहते हैं हम अपने वीडियोस और व्लॉग्स के थ्रू। व्लॉगिंग चैनल पे हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। आई इंसिस्ट कि वो व्लॉग्स देखो, क्योंकि वो व्लॉग्स बहुत ही रॉ वीडियोज़ हैं हमारे लाइफस्टाइल के। बाकी ये थे हमारे 5 साल। अगर मेरे को, मैंने जितनी भी बातें करी, आई थिंक मैंने अच्छी बातें करी, बिकॉज आई फील दैट कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सही टाइम पे। अब आगे हम क्या डिसीज़न लेते हैं कि वापस इंडिया जाते हैं या नहीं, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स देखने लगे हैं। वो वीडियोस में देख लेना आपने, हमने कुछ वीडियोस बनाए कि कुछ प्रॉब्लम्स देखने लगे हैं अब हम, तो हम वापस मूव करेंगे या नहीं करेंगे, कब मूव करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पर आपको ज़रूर हेल्प करते रहेंगे जर्मनी में अगर आपको मूव करना है तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया तो 4 साल ऑलरेडी हो गए हैं। 4 साल में आई डोंट नो हमने यूट्यूब पर क्या किया लाइक मैंने, पर एक चीज़ है कि प्यार बहुत ज़्यादा मिला आप लोगों से, तो थोड़ा सा प्यार और दे दो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो एक क्वेश्चन पूछा था उसको ज़रूर कमेंट करना कि यहाँ आने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो सही है या हम लोग जो प्रॉब्लम्स झूल रहे हैं वो सही है।